औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा वही जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उससे इससे पहले हमने सेकंड क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसी का। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आप इसको देख लें। ताहिर कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2005 पर हमें क्या करना है, प्रीपेयर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इसमें मैंने पहले आपको बता दिया था, ओनली रिक्वायरमेंट होगी प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसी में फिर कुछ वैल्यूज मिस होंगी तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और एंडिंग प्रीपेयर करते हैं। देखें, इसमें अगर एंडिंग कैपिटल दिया हुआ होगा और ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ होगा फिर तो दोनों स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। नेक्स्ट देख लें, पार्टिकुलर जनवरी 1 पर जो डाटा दिया हुआ है ये ओपनिंग डाटा है टोटल, January 1, 2005 और December 31, 2005 पर जो डाटा दिया हुआ है ये एंडिंग डाटा है। इट मीन्स इसमें एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो ओपनिंग पहले स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ेगी जहां से हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, एंडिंग स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जहां से हमें एंडिंग कैपिटल मिलेगा, उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे। पहले देख लीजिए, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 जनवरी वाली प्रिपेयर कर लेते हैं। कंपनी या पर्सन का नाम लिख लोगे पहले, ये एसेट साइड आ जाएगी। पर्सन है ताहिर, तो ताहिर का नाम लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फर्स्ट जनवरी 2005। पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, यहाँ से हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग डेटा देखें, कैश दिया हुआ है, उसके बाद बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 600। तो अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ हो इट मीन्स ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, डेबिट बैलेंस बैंक का जो है वो आपका एसेट होता है, तो ये एक लायबिलिटी है। इसमें सन्ड्री डेटर 1500, ये भी एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है। स्टॉक्स एसेट है, प्लांट एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। ठीक है जी, ओपनिंग स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एसेट लिख लें, कैश, $300, बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लायबिलिटी होगी, $600। इसी तरह से नेक्स्ट डेटर दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स 1500, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है 1400, स्टॉक और प्लांट और फर्नीचर तीनों एसेट हैं। स्टॉक, प्लांट और फर्नीचर
स्टॉक है 1800 और प्लांट 2000 है, फर्नीचर 1400। 1800, ये 2000 और ये है जी 1400। इसकी हम एसेट साइड का टोटल कर लेंगे। इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे। अच्छा जी, इसका आप टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 7000। इसी 7000 को आप बिल्कुल सामने लिखेंगे। इसमें से हम इस साइड को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा। ये ओपनिंग कैपिटल आपका आ जाएगा 5000। देखें जी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें अगर ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल ना दिया हुआ हो तो हम ओपनिंग कैपिटल को ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से हमने इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई, इसकी एसेट साइड बढ़ी, इसी टोटल को हमने इधर लिखा। इस टोटल में से हमने इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास 5000 ओपनिंग कैपिटल आ गया। इसी तरह से अब हम एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकेंगे। देखें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। एंडिंग का डाटा है 800 कैश और बैंक है 400 डेबिट। इट मींस ये एसेट है। बैंक का अगर बैलेंस डेबिट होगा तो वो एसेट होगा, क्रेडिट होगा तो वो क्या होगा, लायबिलिटी होगी। 1600 डेटर, ये भी एसेट है, क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, और इसके अलावा स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर, ये तीनों एसेट हैं। नीचे एडजस्टमेंट में डेटा दिया हुआ है, ताहिर हैड विदड्रॉ 5000 ड्यूरिंग द ईयर, ही हैज इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल, सबका मतलब एक ही है। ऑन 1 अप्रैल 2005, अंडरलाइन कर लें, ये कैपिटल जो फ्रेश आया है ये 1 अप्रैल पर आया है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड फर्नीचर इज 5%। 5% प्लांट और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ये भी इस पर हम फ्रेश पर और ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, कोई भी एडजस्टमेंट हो ओपनिंग स्टेटमेंट से एडजस्ट नहीं होगी। डेप्रिसिएशन प्लांट की प्लांट से माइनस करेंगे, फर्नीचर की फर्नीचर से माइनस करेंगे, लेकिन एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में से हम ये माइनस करेंगे। एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं इसकी। इसी तरह से आप नाम लिखोगे ताहिर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एट December 31st 2005, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट।
एसेट साइड पर पहले एसेट्स लिख लेते हैं, कैश है, बैंक है, कैश की वैल्यू 800 है, बैंक 400 है, इसी तरह से सन्ड्री डेटर, डेटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट होती तो हम उसको माइनस करके लिखते, डेटर 1600 डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिटर 2000, स्टॉक, प्लांट और फर्नीचर, स्टॉक की वैल्यू लिख लेंगे, प्लांट और फर्नीचर, स्टॉक है 2000 और फर्नीचर भी 2000 है, फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी जी कितनी 2000, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन भी है, वो हम इसमें से माइनस करके लिखेंगे। नोट कर लें कि डेप्रिसिएशन हमेशा हमने एंडिंग स्टेटमेंट में माइनस करनी है, ओपनिंग स्टेटमेंट में नहीं करनी। 5% डेप्रिसिएशन है, 2000 का 5% 1000 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 1900 नेट वैल्यू आ गई। फर्नीचर है 1400, इसमें से भी इसकी डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, जी इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1400 का 5% 70, ये 70 इसमें से माइनस कर देंगे तो नेट आपके पास आ जाएगा ये 1330। अब आपकी ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंप्लीट हो गई। एसेट साइड का टोटल कर लेंगे, ये टोटल है आ जाएगा आपका 8030। इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखोगे 8030, इसमें से आप माइनस कर दोगे तो जवाब जो आएगा वो आपका एंडिंग कैपिटल हो जाएगा। इसमें से जब हम 2000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1900 है जी। अब इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6130। अब हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लेंगे। नाम लिखोगे ताहिर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2005। सबसे पहले एंडिंग कैपिटल लिखोगे, एंडिंग कैपिटल नहीं दिया था हमने, उसको एंडिंग स्टेटमेंट से निकाल लिया, एंडिंग कैपिटल लिखेंगे, सिक्स वन थ्री जीरो, और इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें ड्राइंग, ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग क्वेश्चन में 5000 गिवन है, ये आप ऐड कर दोगे। इसके बाद लेस करना है इसमें से फ्रेश कैपिटल,
और फ्रेश कैपिटल दिया हुआ है आपका 6000, फ्रेश कैपिटल। इसके बाद आप इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ये हमने कैलकुलेट किया था 5000। अब नेक्स्ट इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लें, हमेशा हमने इसी तरह से कैलकुलेट करना है, ये अहम पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जितना परसेंटेज है ओपनिंग कैपिटल पर फुल अमाउंट लेंगे, ओपनिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फुल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जितनी परसेंटेज दी हुई है। सिक्स थाउजेंड है, हाँ जी, इसका 6% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 6% लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6% आप कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस आप फ्रेश कैपिटल का, इसका जो 6% कैलकुलेट करेंगे ये आप फुल वैल्यू ले लोगे, इसी तरह से फ्रेश कैपिटल पर आप जो कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके आप मंथ लेंगे, जितने मंथ होंगे उस लिहाज से आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। 6000 है इसका 6% और इसको आप कर लेंगे जी अप्रैल पर, ये फ्रेश कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया है तो इसको 9/12 कर लोगे आप, 9/12, ठीक है जी। ये आपका नेट आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसकी वैल्यू अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे, इसका टोटल कर लोगे तो ये टोटल वैल्यू आपकी 570 आ जाएगी, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 570 यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लोगे और ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को माइनस करोगे तो ये आपके पास नेट लॉस आ जाएगा यहाँ पर कितना, 440 नेट लॉस आ जाएगा। ये समझ लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 5000 का 6% लेना है, वो वैल्यू जो यहाँ आएगी आपने वो लिखनी है, और फ्रेश कैपिटल पर आपने जो 6% लेना है उसको 9/12 करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है तो ये 570 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये था जी आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।